पर मैंने ये जॉब में रह के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटरी वर्क किया, क्योंकि ये सेंटर पूरा देश उनके पास था। कलकत्ता में रहो तो कलकत्ता बंगाल पास में, और वहाँ इतना काम, ये तो इतना बिकॉज ऑफ डायरेक्टली काम मिलता था ना उनसे ही, बने सी वॉज द एवरी थिंग, और मैं डायरेक्टली काम ला के तो फिर मैं काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्क हुआ राजस्थान में, जो बगरू प्रोजेक्ट मैंने अकेले ने किया, फिर ये मधुबनी उड़ीसा में बड़ा प्रोजेक्ट किया, हरियाणा में, तो ये सब बड़े मौके मिले। तो इन लोगों के साथ, ट्राइबल्स के साथ वर्कर या पिछड़ी जाति के लोग या लोक कला के साथ, आपकी आर्ट पर कोई असर पड़ा आपके? देखो सीधी बात है कि वो नहीं पड़ा, बट इनडायरेक्टली बहुत पड़ा। सबसे बड़ा मतलब सीधा तो क्या, मैं फोक एंड पॉलक्ली मिला के कुछ करता था, मगर वो तो माधवी अच्छा करने लगी तो मैंने माधवी को ही दे दिया था, मैं तो रास्ता ढूंढ रहा था। तो वो एक के द ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्राफ्ट्समैनशिप, वो मैं अगर इन लोगों को नहीं देखता ना तो मेरे में नहीं आती। मैंने उनकी जो वर्किंग डिसिप्लिन, मैंने आप कोई भी विलेज रूरल अरे वीवर के विलेज में जाओ, आपको सुबह में 7 बजे खट 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 खड्डी का आवाज़, वो लोग दिन में उठ के चाय पीते हैं और सीधा काम शुरू करेंगे, 12:30 बजे 1 बजे वो नहाने जाएंगे, नहा के खा के उधर ही सोना है खड्डी के सामने, और फिर काम शुरू करके शाम को मंदिर में आरती का आवाज़ होता शुरू होता है तब जाना है। तो खाली बीच में शादी ब्याह और किसी के डेथ पे ही बंद होता है काम, तो एक कमाल की डिसिप्लिन वगैरह और इस तरह का एक रिस्पेक्ट कि एक ही काम माने कंटिन्यूसली करना। तो क्राफ्ट्समैनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसा मुझे लगता है। और आपका जब माधवी से विवाह हुआ तो अरेंज मैरिज थी? हाँ। और तब वो चित्रकार मतलब कुछ करती नहीं? नहीं, उसको तो चित्रकारी को तो पसंद भी नहीं करती। भाई देखो अब शादी तो एक ऐसी है ना कि ये आई वॉज 12 एंड सी वॉज 9 जब एंगेजमेंट हुई है, देखे बिगर वो गुजरात में रिवाज है, दो पिताजी के बीच में बात हो जाती है कि भी तुम्हारी बेटी से मेरे लड़के की शादी होगी, उसको बातचीत ही बोलते हैं। मगर शादी हुई तब आई वॉज 18 एंड सी वॉज 15, मगर उनकी बहन की भी होने वाली थी इसलिए हमें करनी पड़ी, तो हमने ये टर्म से शादी की कि हम 58 में, तो हम साथ में नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे पढ़ने जाना था जेजे में और वो तो पढ़ाई कर रही थी, तो हम 5 साल साथ में नहीं रहे पहले दिन से ही। तो वो थोड़ी हम दोनों के बीच में डील थी कि हम साथ में नहीं रहेंगे, तो लेकिन उनको चित्रकार बनने की दुनिया में आपने किस कब कलकत्ता में जब रहे थे? नहीं नहीं, हम जब बॉम्बे आ गए दोनों, जब मैंने वीवर सर्विस सेंटर ज्वाइन किया तो फोर्ट एरिया में ही रहते थे, तो काफ़ी नज़दीक थे, जहांगीर आर्ट गैलरी नज़दीक, तो और पैसा होता नहीं था तो घूमने कहाँ जाने का, बेस्ट तरीका आर्टिस्ट सेंटर जाओ। हाँ, आरा साहब मिलते थे, कुछ बातें करी। हाँ, आरा साहब वॉज वेरी एक्टिव दैट वे, मोहन सामंत उस समय जहांगीर में बैठते थे, तो मैं शो में सब ले जाता था, और मेरे सामने ये पंडोल की घड़ी की दुकान थी, काली पंडोल की, वो उन्होंने आधी हटवा के आधी दुकान शुरू करी थी गैलरी, तो माधवी साथ में होती थी, तो इसने एक माहौल तो देखा था, और बातें मैं सब करता था, आर्ट लाइन की भी बातें थोड़ी मुझे थोड़ा मैं अच्छे से नरेट कर सकता सिंपल करके, और मेरे ख्याल से इसी वजह से मैं माधवी के साथ भी एक लेवल पे सक्सेसफुल रहा और गांव में भी रहा, क्योंकि मुझे शहरों की बिल्कुल प्लान्ड बातें मज़ा नहीं आता। अभी भी मुझे आप कोई कमेटी में रखो तो मैं बोलूँगा कि नहीं, वो मेरे से नहीं होगा, मगर गांव में छोड़ दो तो मैं बिल्कुल कुछ नया काम कर सकता, क्योंकि उनके साथ एक लैंग्वेज का समझदारी का प्रॉब्लम नहीं होता। तो माधवी को ऐसे ही मैं समझाता था, बोलता था, कभी नहीं सोचा था ये, मगर उसका असली तो ये हुआ, ये मनीषा की प्रेगनेंसी के टाइम
she was to be pregnant for fourth month mein, usne suddenly she told me ki mujhe painting sikhna hai. To uske dimag mein us samay ye hoga ki generally pregnancy mein Indian aurte acha kuch padhti hai, Ramayan Mahabharat sanskar vagere ki baat, iske dimag mein ye aaya painting karne. To main kuch bola nahi, magar maine kaha phir se kuch puchti hai to bolenge. Magar utne din main sochte raha ki usko agar kal ko bole to kya sikhana hai. To hafte ke baad usne really complain ki ki maine tumhe bataya you are not taking seriously. Tab mujhe yaad hai maine do cheez boli thi ki maine seriously liya. Main jo bataunga usme sikhne wali baat kuch nahi hai, it's a exercise, you have to do it. Main tumhare sath baaju mein baitha rahunga aisa nahi hoga. Ek cheez samjha di tumhe karni hai aur dusra karna hai to sincerely karna. तो मैंने पॉल क्ले के पेडागॉजिकल एक्सरसाइज, जब पॉल क्ले ने एंड में भावास ज्वाइन किया तो उन्होंने एक थिंकिंग आई करके किताब लिखी है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी एक्सरसाइजें बनाई थी. जो एक्सरसाइज मैंने माधवी को थोड़ी बताई और पॉल क्ले ने बहुत कमाल की, वो पेडागॉजिकल एक्सरसाइज है कि एक बिंदु ले लो, उसका उंगली पकड़ के दूसरे बिंदु तक ले जाओ, उसका नाम है लाइन. मैंने इस तरह का सिंप्लीफाइड करके तो वो मैं और मैं कभी माधी को ये बोला करता था कि ही वॉज लाइक ए गांधी जी. एक तो अगर मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री में किसी ने छोटा काम किया है और इतनी बड़ी कैरियर बनाई है तो पॉल क्ले है, तो सबसे छोटा काम किया करते थे. और रात को रोज अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, तो जितना काम किया उसको सबका मेजरमेंट टाइटल देंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टाइटल देंगे, मीडियम लिखेंगे तो ही इज द ओनली आर्टिस्ट के लिखेंगे जेसो, वाइट जेसो ऑन अ न्यूज़पेपर पेस्टेड ऑन बोर्ड विथ ऑयल एंड वाटर कलर. ये मिक्स मीडिया लिख के ये नहीं करेंगे. और सब कुछ रोज शाम को एक नोट करने की, रजिस्ट्री बनाने की आदत थी. तो ये सब बातें माधवी को भी, मैंने कभी माधवी को हवा करके नहीं बोला कि आठ बड़ी ऐसी है और वैसी है, मगर बहुत सिंपल वे से ऐसे एग्जांपल. उन्होंने